गुड मॉर्निंग पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है क्राबी में दूसरा दिन एंड वी आर लिविंग फॉर एमरल्ड पूल, जो कि एक बहुत ही जाना पहचाना टूरिस्ट लोकेशन है क्राबी का। यहाँ से अभी बज रहे हैं 1 और यहाँ से आई थिंक 1 घंटे का राइड है। देखते हैं वहाँ जाने के बाद कैसा रहेगा, एंड वहाँ से फिर वापस हम होटल आएंगे। थोड़ा एक काम है, वो काम निपटा के फिर वापस आवनांग बीच निकल जाएंगे, क्योंकि बीच अभी तक हम लोगों ने डे लाइट में देखा नहीं है ठीक से। सो या दैट्स द प्लान फॉर टुडे, एंड चलो लेट्स सी यू ऑन द रोड। फाइनली 1 घंटे और 20 मिनट के ड्राइव के बाद, विच इज़ अराउंड 60-65 किलोमीटर्स, हम लोग एमरल्ड पूल पहुँच गए। स्कूटी अभी पार्किंग पे लगा है, दैट कॉस्ट 15 baht फॉर 1 motorbike। एंड एंट्रेंस पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो अगर आपको भूख लग रहा है तो ज़रूर खाइए। Shani want this? Oh, 150 per night. अच्छा तगड़ा मार्केट, शॉपिंग मार्केट है इधर। खाना है, ड्रेसेस हैं और बाकी सब कुछ है। तो एमरल्ड पूल जाने के दो रास्ते हैं, एक लंबा एक शॉर्ट। लॉन्ग वन इज सीनिक वन, या जस्ट वन इज 800 मीटर्स एंड अदर वन इज 1000 मीटर्स। या सो 1000 मीटर्स वन इज मोर सीनिक। शान, जस्ट लुक एट द वाटर, कितना क्लियर है यार। ओ गॉड, फिश हंटिंग एंथुसियास्ट है बिल्कुल। एकदम शांत है ये जगह, सिर्फ क्रिकेट्स का साउंड आ रहा है एंड बहते हुए पानी का साउंड आ रहा है, उसके अलावा और कुछ भी साउंड नहीं है। बहुत शांत है। ये है क्रिस्टल पूल,
कलर पानी का एकदम ग्रीन है, और नीचे जितने भी एल्गे हैं और पेंट पेड़ पौधे हैं सब दिख रहे हैं नीचे। एंड आवाज़ से लग रहा है कि हम बस एमरल्ड पूल पहुंचने वाले। यस एंड वी हैव रीच्ड। And this is the Emerald Pool. तो कुछ ऐसा था एमरल्ड पूल, पानी उतना साफ़ नहीं था, गंदा था एंड लोग भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैं सिर्फ 5-10 मिनट ही था वो पूल में, उसके बाद फिर शावर लेके अभी हम दूसरे पूल की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज़ ब्लू पूल। ब्लू पूल में स्विमिंग अलाउड नहीं है, ओनली फोटोग्राफी इज़ अलाउड। तो वहाँ से और 600 मीटर का वॉक है, हम वहीं जा रहे हैं एंड देखते हैं ब्लू पूल कैसा है। एमरल्ड पूल देखने के लिए अच्छा था बट नॉट गुड टू स्विम एंड यू नो टू स्पेंड योर टाइम इन। We're inside a tropical rainforest. So silent here. अलग ही शांत है एकदम, सिर्फ इंसेक्ट्स के साउंड आ रहे हैं, ओकेशनल बर्ड्स के साउंड आ रहे हैं। इट्स वेरी लाइक नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस। My God, Shan, color. God, it's so beautiful. तो अब हम लोग वापस निकल रहे हैं। टाइम बज गया है आई थिंक 4:15 एंड यहाँ से वापस फिर 1.5 घंटे का रास्ता है क्राबी। तो अभी यहाँ रेस्टोरेंट में थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स खाएंगे, यहाँ आइसक्रीम्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ 20 बात फॉर टू स्कूप्स। तो अच्छा सा दो फ्लेवर लेके, थोड़ा बहुत खाने के लिए आइटम्स लेके
फिर हम लोग रिटर्न हो जाएंगे एंड रात को एज यूजुअल आवनांग बीच, बट सोच रहे हैं आज रात को थोड़ा आवनांग बीच में उतरेंगे करके, क्योंकि कल रात को देखने के बाद से इतना उसमें मतलब वाटर में उतरने का मन कर रहा है ना, इट्स क्या बोलूँ। आइसक्रीम जो भी कोकोनट एंड ग्रीन मचा चॉको चिप्स एंड कुकीज एंड क्रीम, व्हाट इज इट, मचा, इट्स मचा।